प्रिय दोस्तों, नवजीवन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में शास्त्री जॉनसन सी फिलिप पवित्र बाइबल से मर्मस्पर्शी संदेश प्रस्तुत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत आशीष देंगे। हम लोग नियमित रूप से उनके इन हृदय स्पर्शी वीडियो को यहाँ पोस्ट करते हैं। इन नए वीडियो के बारे में अपने आप जानकारी पाने के लिए वीडियो के नीचे पहले सब्सक्राइब बटन को और उसके बाद घंटी की बटन को दबाएं। बस हो गया काम, अब नए वीडियो की सूचना घर बैठे अपने आप आपको मिल जाएगी। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर। पिछले कई हफ्तों से अपन प्रभु यीशु की एक मुख्य शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे प्रभु ने एक बहुत बड़े पहाड़िया के ऊपर से दिया था, इसलिए उस उपदेश को पहाड़ी उपदेश या पर्वतीय उपदेश कहा जाता है। उस उपदेश में से पिछले हफ्ते हमने देखा था कि एक प्रभु के बच्चे को किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि प्रभु के सामने एक लंबी सी लिस्ट, प्रभु ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, और जब प्रभु से सब कुछ मिल जाए तो प्रभु अब जो है जय मसीह की हम चल दिए अपने रास्ते पे, आप अपने रास्ते पे, और जब हम आनंद मंगल अपनी मन मर्जी करेंगे उसके बाद जब अगली जरूरत होगी तब प्रभु आपके पास आएंगे, ये प्रार्थना नहीं है, यह स्वार्थ है। और इस स्वार्थ को दुनिया में सबने पहचाना है। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम पहले तो प्रभु के प्रति अपना आभार प्रकट करें और उसके बाद अपनी जरूरत प्रभु के सामने रखें। ये बात हमने पिछले हफ्ते देखी थी। आज छठे अध्याय के 19वें पद से मैं कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मत्ती नामक पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 19वें पद में, और जब हम पढ़ते हैं तो शुरू में बहुत ताज्जुब होगा। वहाँ लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। सुन के आपको बड़ा शौक होगा, क्योंकि बचपन से माँ बाप हम सबको ये बताते आए हैं कि बेटा पैसा बर्बाद मत करो, उसको जोड़ के रखो। अब तो गुल्लक का प्रचलन कम हो गया है, वरना हमारे बचपन में तो घर में दो दो तीन तीन चार चार गुल्लक रखे रहते थे कि तुम्हारे हाथ में पैसा आए, एक अपनी ज़रूरत के लिए पहले वाले में डालो, लेकिन उसके पहले एक प्रभु के लिए दूसरे वाले में डालो, उसके भी पहले एक जो असहाय लोग हैं उनकी मदद के लिए डालो। इस तरह की आदतें घरों में डाली जाती हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ जितने माँ बाप हैं और जितने माँ बाप बनेंगे वे सब लोग अपने बच्चों में ये आदतें जरूर डलवा दें। एक घर में कम से कम 4 गुल्लक होने चाहिए। एक जो हमारे पास पैसा आता है उसमें से एक पोर्शन अपने लिए, एक प्रभु के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए। आप पूछेंगे, शास्त्री सर वो चौथा किसके लिए? चौथा जीवन में अकस्मात अचानक आने वाली जरूरतों के लिए चौथी गुल्लक, जिसका पैसा कभी हम हाथ ना लगाएं जब तक जीवन में कोई मुसीबत ना आए। मुझे ये आदतें बचपन से सिखा दी गई थी और इस कारण अभी भी मेरी आदत है कि मेरा जो लाइसेंस है, जो हमेशा आजकल तो ओरिजिनल लाइसेंस साथ में रखना पड़ता है, लाइसेंस के साथ साथ एक 500 का नोट हमेशा रखा रहता है। कई बार मुसीबत में उस 500 के नोट ने पेट्रोल खरीदने के लिए या बहुत ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए मेरी मदद की है। ठीक है, तो हम जनरली सामान्यतया ऐसे परिवारों में पैदा हुए हैं जहां हमको ये बताया जाता है, पैसा बर्बाद मत करो,
पैसा अनावश्यक रूप से खर्च मत करो, उसको बचा कर रखो। यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। क्या इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास है? मतलब हम जो कह रहे हैं प्रभु उसका उल्टा कर रहे हैं कि कह रहे हैं क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन जब प्रभु ने जो शिक्षा दी थी उसको हम आगे देखेंगे तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभु क्या कहना चाहते थे। 24वें पद में हम देखते हैं, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम प्रभु और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब आई ना बात, प्रभु ने जब कहा कि पृथ्वी पर अपने लिए धन एकत्रित मत करना, तो प्रभु के कहने का मतलब ये नहीं था कि पैसा अपने आप में बुरी चीज है। प्रभु के कहने का मतलब ये नहीं था कि भविष्य की जरूरतों के लिए पैसा एकत्रित करके ना रखें। प्रभु के कहने का मतलब ये था, यदि तुम पैसे की सेवा करोगे तो तुम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। देखिए, हम जिसकी सेवा करते हैं उसके क्या हो जाते हैं? उसके नौकर हो जाते हैं। और यदि मालिक बहुत बड़ी हस्ती है तो हम तो उसके गुलाम हो जाते हैं। तो प्रभु के कहने का मतलब यह था, मेरे प्रिय बच्चों, तुम यदि पैसे की गुलामी करोगे तो फिर प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, और यदि प्रभु की गुलामी करोगे तो पैसे की गुलामी से तुम बचोगे। अब सवाल यह है कि पैसे की गुलामी का क्या मतलब है? पैसे की गुलामी का मतलब यह है कि उठो बैठो चलो काम करो, इवन सोते में पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसे पैसे के बारे में सोचते रहो। मेरा एक दोस्त था जो जिसे चाय पीने की बड़ी आदत थी, बिना चाय के उसका काम नहीं चलता था। लेकिन चाय के लिए जेब से चवन्नी निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल का काम था। मैं अपने BSc के ज़माने की बात कर रहा हूँ, उस समय 20 पैसे में चाय आ जाती थी। जब मैं MSc पहुँचा तब चाय चवन्नी की हुई। वो क्या करता था, जेब में हमेशा 100 का एक नोट रखता था, आओ चाय पिलाएं। उसके साथ जो लोग थे बेवकूफ, जो उसके आदतें नहीं जानते थे, जाके 3-4 लोग चाय पी लेते थे। चवन्नी की चाय यदि 4 लोग पी लेते हैं तो 1 रुपया होता है, और जब चाय पी ली तो जेब से 100 का नोट, सबसे पहले वही पैसा, नहीं नहीं आज तो मैं दूंगा, आज तो मैं दूंगा, और 100 का नोट उठा के चाय वाले को दिया तो चाय वाले के प्राण सूख जाते थे या उसकी नानी मर जाती थी कि भैया साहब रुपए की चाय आपने पी, 100 का नोट दे रहे हैं, मैं 99 रुपए गरीब आदमी मैं कहाँ से लाऊंगा। तब तक उसके साथियों में जो पहली बार जो मुर्गा फंसा, जिसको नहीं मालूम कि इसकी ये आदत है, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं तू कल दे देना कह के वो पैसा दे देता है। अगले दिन फिर उसे चाय की इच्छा होती है तो किसी और नए मुर्गे को पकड़ के ले आता है। अच्छा, इस बीच 2-4 ऐसे हैं जिनको मालूम है कि आज तो फ्री फंड में चाय है, वो भी साथ में लिए जाते चलते हैं। अगले दिन शायद 6 लोग होंगे, 6 लोग चाय पीते हैं चवन्नी की चाय तो 1.5 रुपया होता है, मैं MSc की बात बता रहा हूँ। वो फिर से वो 100 का नोट निकाले तो दुकानदार गड़गड़ाने लगे कि माई बाप 100 का नोट मैं कहाँ से तोड़ूंगा। तो फिर कोई नया मुर्गा उसके लिए पैसा दे देता था। यह है उन लोगों की आदत जो पैसे के गुलाम है। फूटी कौड़ी खर्च ना हो उसके लिए दुनिया भर के तमाम धंधे करने के लिए तैयार रहते हैं। यह तो मैंने एक बहुत छोटी सी बात बताई थी किस तरह से 100 का नोट लेके बेवकूफ बनाता है। आज यदि मेरी मुलाकात उससे हो जाएगी तो आज फिर से कहेगा, अरे शास्त्री वाह 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 वाह, 40 साल के बाद मुलाकात हुई, आओ आज चाय पिए।
गारंटी से कहता हूं कि वो जेब में से 2000 रुपये का नोट निकाल के दुकानदार को देगा। काहे के लिए? 10 रुपये की चाय के लिए। पैसे की गुलामी का सबसे सरल उदाहरण। लेकिन इस तरह के लोग हर समाज में होते हैं जो सिर्फ एक बात के लिए जीते हैं, पैसा। दूर से भिखारी देख लेते हैं तो उसके प्राण सूख जाते हैं, वो जेब टटोलता है और फिर बगल वाले से कहता है कि अरे यार, उस भिखारी को कुछ देना है, आज तो जेब में 100 के नोट के अलावा कुछ नहीं। तब की बात, आज की बात हो, आज तो जेब में 2000 रुपये के नोट के अलावा कुछ नहीं है, तो दूसरे से भिखारी को पैसा दिला देता है। इस तरह से जो कुछ करना है वो दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाए पैसे के मामले में, समझ लीजिए वो आदमी पैसे का गुलाम है। ये मैंने आपको सिर्फ एक नमूना बताया है। ऐसे कई लोग हैं जो कॉलेज आते हैं, पेन भूल आते हैं, साथ ही से एक बॉल पेन ले लेते हैं। वो ना केवल घर से भूल आए, साथी से लेने के बाद वापस करना भी भूल जाते हैं। मजे की बात यह है, अगले दिन आते हैं तो साथी का पेन घर पे ही भूल आते हैं। उनके घर जाओ तो टेबल भर के कम 25-50 पेन होंगे। पूछें कि भैया इतने कहाँ से, तो बोले अरे यार, किस किस से लिया था, भूल गया कि मैं किस से कौन सा पेन लिया था। जरा अपने जीवन को जांच कर देखें। मैं और आप जीवन में परिश्रम करते हैं, सुबह से शाम तक श्रम करते हैं पैसे के लिए। पैसा क्यों चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। आज इस सत्संग में जो लोग एकत्रित हैं, इनमें से कई लोगों के ऊपर अपने छोटे भाई बहनों का भार है, परिवार का भार है, बुजुर्ग माँ बाप का भार है, उन सब की मदद करनी है। ऐसे भी कई खिलाड़ी हैं जो हर महीने माँ बाप की, छोटे भाई बहन की मदद जरूर करते हैं, लेकिन दूसरे से पैसा लेके। उनका अपना पैसा वो बैंक में जमा होता रहता है। परसों मैं मुझे खबर मिली, एक बाकायदा वीडियो प्रोग्राम था, चेन्नई में एक भिखारी मर गया। भिखारी जब मर गया तो डेड बॉडी उसकी लावारिस थी, तो लावारिस बॉडी को जब नगर पालिका हटाती है तो पहले बाकायदा पंचनामा तैयार करती है। पंचनामे का मतलब है 2-4 मान्य लोगों को, इज्जतदार लोगों को बुला के बताया जाता है कि वहाँ क्या क्या था, उसके बाद ही वो सामान वहाँ से हटाया जाता है। पंचनामे के लिए उन्होंने 2-4 लोगों को बुलाया, उनके सामने अलमारी खोली तो थैले बंधे हुए हैं। थैले खोल के देखे तो चिल्लर, तो उन्होंने 2-4 से कहा कि भैया ये अलमारी भर के चिल्लर है, इसको गिनो। तो उन्होंने बैठ के गिना तो उस भिखारी के पास 1.5 लाख रुपए का चिल्लर था। उन्होंने सोचा चलो कहानी खत्म, भिखारी था, 1.5 लाख रुपए का चिल्लर है, वो भूल गया होगा, वो जानता नहीं होगा कि चिल्लर को कैसे रुपए में कन्वर्ट किया जाए। अलमारी के नीचे पहुंचे तो बाकायदा फाइल। अच्छा, तो उन्होंने कहा भिखारी के पास फाइल? फाइल खोला तो बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के सर्टिफिकेट। उन्होंने गिन के देखा, काउंट करके देखा, 8.5 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब 8.5 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट, 1.5 लाख रुपए चिल्लर, तो यही हो गए 10 लाख रुपए। मतलब वो लखपति था। उसके अलावा उन्होंने इधर उधर ढूंढा तो और भी माल मसाला निकला। वो किस चीज से प्रेम करता था? अरे भिखारी को यदि उसके पास 10 लाख की पूंजी है तो उसका ब्याज इतना हो जाएगा कि बड़े आराम से कम अच्छे कपड़े तो पहन सकता है, लेकिन वो हमेशा फटे छिथड़े ही पहनता था। यह है पैसे की गुलामी, यह कुछ भी नहीं है। आज से 100 साल पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक स्त्री थी जिसके पास सिर्फ एक, घर के बाहर जाती थी पहनने के लिए सिर्फ एक अच्छा डिसेंट कपड़ा था। घर जाती थी, शादी वगैरह अटेंड करके आती थी तो कपड़े के नीचे का हिस्सा, उसमें कुछ मैल वगैरह लग गया हो
तो उतना धो के उसको सुखा लेती थी, कपड़ा पूरा नहीं धोती थी, कहीं कपड़ा पुराना ना हो जाए। एकमात्र लड़का था, उस लड़के के पैर में जब एक बार फोड़ा निकला तो उसने उसका इलाज सरकारी अस्पताल में करवाया। सरकारी अस्पताल में लोगों ने पूछा कि तू किसकी औलाद है, उसने बता दिया तो वो बोले अच्छा उस औरत की, अरे उसके पास तो पैसा है, तू काहे को सरकारी अस्पताल में आया। ये सुन के वो औरत बच्चे को लेके वहाँ से भाग गई, खुद घर पे उसका इलाज किया, पैर पक गया, पैर कटवाना पड़ा। फाइनली जब उस औरत की मृत्यु हुई तब उसका बिल्कुल नगरपालिक जैसे लोगों ने पंचनामा बनाया तो आज के हिसाब से 50,000 करोड़ रुपया उसकी संपत्ति थी। 5 करोड़ नहीं, 5,000 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ रुपए उसकी संपत्ति थी। इस औरत का चित्र और इस पूरी कहानी को रीडर्स डाइजेस्ट नाम की पत्रिका ने ह्यूमन ब्रेन नाम का एक बड़ा ग्रंथ निकाला है, उसमें आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि वो मर क्यों गई? दीर्घायु के कारण नहीं, खाने ही नहीं खाती थी। उस जमाने में 100 साल पहले घोड़े को जो खाना दिया जाता था ओट्स, उसको गर्म करके खाती थी, ढंग से पकाती भी नहीं थी। न्यूयॉर्क में ठंड के समय घर के बाहर जमकर बर्फ पड़ती है, ऐसी ठंड पड़ती है और टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है, मकान के अंदर आलाव जलाना पड़ता है या मकान को और तरीके से गर्म करना पड़ता है, उसके लिए पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थी। दान धर्म में जो कंबल मिल जाते थे उससे ओढ़कर सोती थी, इस तरह से ठंड लग के मर गई। क्या फायदा हुआ जीवन में, उसने किस बात का आनंद लिया? और जरा एक बात बताइए, 50,000 करोड़ रुपए का क्या फायदा हुआ? मैं तो अक्सर सोचता हूँ यदि अपनी कोई लॉटरी निकल आए 50,000 करोड़ की, तो अपन तो 5,000 करोड़ रखेंगे, बाकी 45,000 करोड़ तो ऐसे ही सड़क पर लुटा देंगे, इसके बावजूद 7 पीढ़ियाँ आराम से बीत जाएंगी। वो किसकी गुलाम थी ये भिखारी? किसका गुलाम था? पैसे का गुलाम। मेरा साथी जो चाय पीता था पिलाता था, ये भिखारी जो लखपति था, ये जो औरत जो अरबपति थी, इन सब के जीवन में सिर्फ एक प्रेम था, पैसा। प्रभु अपने शिष्यों को याद दिलाते हैं कि मेरे आपके जीवन में यदि प्रभु के प्रति भरोसा है और यदि हम इस बात को समझते हैं कि प्रभु मेरे जीवन की हर बात का ख्याल रखेंगे, तो पैसे के प्रति मोह नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से प्रभु ने कहा, उस कोण से प्रभु ने कहा कि देखो, लालच के लिए और मोह माया के लिए धन मत इकट्ठा करना। प्रभु ने ही अन्य जगहों पर यह बात बताई है कि हर व्यक्ति को धन का सदुपयोग करना चाहिए। मकान बनाना हो पहले माल जमा कर लो, मतलब उसके लिए पैसा जुटाओ और माल जमा करो। प्रभु ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं जिसमें हर जगह ये कहा है कि धन का उपयोग उनके बच्चे सही रीति से करें। लेकिन आज प्रभु जो कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि धन और मोह माया का गुलाम नहीं होना चाहिए। क्यों? इसका कारण प्रभु ने स्वयं स्पष्ट किया है। यदि तुम धन की गुलामी करते हो, जीवन में कभी भी प्रभु के प्रति भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? आप पूछेंगे, शास्त्री सर यदि खूब सारा पैसा हो तो हम तो प्रभु की सेवा अच्छी तरह से कर सकेंगे। देखिए, खूब सारा पैसा होना अलग बात है, पैसे की गुलामी करना अलग बात है। मैं ऐसे करोड़पतियों और अरबपतियों को जानता हूँ जो अपना करोड़ों प्रभु को देते हैं। मेरे एक बहुत ही फेवरेट एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन टेम्पलटन। यहाँ पर जो भाई बहन बैठे हैं
इनमें से कई लोगों ने टिम्बलटन अवार्ड का नाम सुना है। जिस तरह से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसी तरह से हर साल टिम्बलटन पुरस्कार दिया जाता है। आप जानते हैं कि टिम्बलटन पुरस्कार कितना होता है? एक साल में टिम्बलटन पुरस्कार 20-25 करोड़ रुपया होता है। वो आदमी क्यों एक साल में 20-25 करोड़ रुपया देता था? इसलिए कि उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु से स्नेह किया, वो प्रभु का शिष्य था, और इस कारण उसको प्रभु ने जो अरबों रुपए दिए थे उसमें से करोड़ों रुपया वो हर साल इस तरह से ऐसे लोगों को दे देता था जिन्होंने इस संसार को एक अच्छी जगह बनाई है। उसके अलावा प्रभु यीशु का वचन बाइबल स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए हर साल करोड़ों रुपया अलग से देते थे। तो ऐसे लोग हैं जिनके पास काफ़ी धन होते हुए भी वे धन के गुलाम नहीं हुए। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु जो कह रहे हैं धन के विरुद्ध नहीं है, धन के प्रति लालच और लालच के कारण धन की गुलामी के बारे में है। यदि एक बार हम धन की गुलामी कर लेंगे या उसमें फंस जाएंगे तो प्रभु से प्रेम फिर कभी हम नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे कि शास्त्री सर, जीवन में बड़ी मुश्किल से तो जीने लायक पैसा मिल पाता है, हम धन की गुलामी कैसे करेंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसके पास मुश्किल से खाने के लिए भोजन है वो भी धन का गुलाम बन सकता है, और जिसके पास अरबों हैं वो भी धन का गुलाम बन सकता है। उसका भी एक उदाहरण दे दूं। एक बच्चा था जो संडे स्कूल गया तो माँ ने उसको 5 रुपए के 2 सिक्के दिए। बोला, बेटा एक सिक्का वहाँ भेंट के बॉक्स में डाल देना, प्रभु के लिए है। एक सिक्का तुम्हारे लिए है, तुम जो चाहे खरीदो, टॉफ़ी चाहे तो टॉफ़ी, चॉकलेट चाहे तो चॉकलेट, संभाल के ले जाना। बच्चे के हाथ में जब 5 रुपए का सिक्का आया तो बड़े आराम से खेलते 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 वो एक पुल के ऊपर से निकला। अचानक उसमें से 1 5 का सिक्का उसके हाथ से गिरा और पुल से लुढ़क कर नदी में गिर गया। तुरंत वो बोला, हे प्रभु, देखिए आपके हिस्से का जो पैसा था वो तो नदी में चला गया है। पैसे की गुलामी कोई भी कर सकता है। पैसे की गुलामी जीवन के हर पहलू में हो सकती है, और इसलिए ऐसा न समझें कि गुलामी, लोभ और गुलामी ऐसा ना समझें कि सिर्फ धनी लोगों के जीवन में होता है। जो धनी नहीं है, इवन जो बच्चा है, उसके जीवन में भी हो सकता है। आज हम अपने आप को जरा जांचें कि धन के प्रति, इस पृथ्वी की चीज़ों के प्रति हमारा नज़रिया क्या है। यदि हमारा नज़रिया सही हो तो हम अपने लिए भी खर्च करेंगे, प्रभु के लिए भी करेंगे, दान धर्म के लिए भी करेंगे, और भविष्य के लिए बचा भी रखेंगे। जब मैं कह रहा हूँ अपने लिए खर्च करेंगे तो अपने और अपने परिवार के लिए, लेकिन प्रभु के लिए भी एक हिस्सा देना जरूरी है। प्रभु हमको जो भी देते हैं उसमें से एक हिस्सा देना जरूरी है। बाइबल का जो पूर्वार्ध है, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, उसमें तो बाकायदा नियम था कि किसी भी व्यक्ति को जो भी आय होती है उसमें से 10% जरूरी है कि वो प्रभु को दे। लेकिन प्रभु यीशु के संसार पधारने के बाद प्रभु ने वो नियम बदल दिया। प्रभु ने कहा कि देखो मेरे बच्चों, अब प्रभु का वचन तुम्हारे हाथ में है, प्रभु का वचन तुमसे हर बात साफ साफ बोलता है, प्रभु का वचन एक आईने के समान है जिसमें तुम अपने स्वयं को सही रीति से देख सकते हो। इस कारण प्रभु यीशु के समय के बाद प्रभु ने यह नियम बनाया कि हर व्यक्ति
प्रभु उसको जो प्रेरणा देते हैं उस प्रेरणा के अनुसार जो भी उसके जीवन में मिलता है, धन हो, संपत्ति हो या और कोई चीज मिले, तो अपने मन की प्रेरणा के हिसाब से वो प्रभु को धन्यवाद अर्पित करे। तो ना केवल अपने लिए पैसा खर्च करना जरूरी है, प्रभु ने हमको जो दिया है उसका आभार हमें प्रभु के प्रति मानना चाहिए। लेकिन यहाँ एक परेशानी क्या है कि किसी को नहीं लगता कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है। जिसको दिन में 100 रुपया मिलता है उसको लगता है 100 ही तो रुपये मिलते हैं, 50 काम हैं, मैं उसमें से प्रभु को क्या दूं। और जो दिन में 100 लाख कमाता है, आप पूछेंगे क्या कह रहे हैं शास्त्री सर, दिन में 100 लाख मतलब 1 करोड़। अरे हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी 1 सेकंड में 1 करोड़ से ज़्यादा बढ़ रही है, 1 सेकंड में 1 करोड़ से ज़्यादा जिनकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। उसको भी लगता है कि प्रभु को, अरे मेरे पास पैसा कहाँ है, मैं तो इतना कंगाल हूँ, मुश्किल से तो 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपया बना पा रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए क्या अलग करूँगा। इस कारण हम में से हर व्यक्ति को अपने स्वयं के जीवन को मुड़ के देखना चाहिए कि प्रभु ने हमको जो कुछ दिया है उसके प्रति हमारा झुकाव किस तरह का है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने एक व्यक्ति की कहानी सुनाई थी। वो कहानी कई बातें बताती हैं, जिसमें से एक यह है कि धन धान्य के प्रति हमारा झुकाव क्या होना चाहिए। कहानी इस तरह से है कि एक आदमी यात्रा पे जा रहा था, उसको डाकुओं ने लूट लिया, मार पीट के उसको सड़क पे छोड़ के चले गए। सड़क पे से कई लोग निकले, उन्होंने उस आदमी को देखा, हर व्यक्ति उसको देख के दूर से चला गया, हे प्रभु आप इसकी मदद करें। प्रॉबेबली उन्होंने मन में प्रार्थना की होगी। आखिर में एक गरीब आया, उसने इस आदमी को देखा, उठाया, पट्टी बांधी, दवा दारू की, पास में एक धर्मशाला में जाकर उसको टिका दिया और धर्मशाला में 2 दिन का पैसा भी दे दिया, इसका ख्याल रखना और यदि और पैसे की जरूरत है मैं चुकाऊंगा। प्रभु ने यह कहानी उन लोगों को सुनाने के लिए कहानी सुनाई थी जिन्होंने जीवन में कभी दूसरे की मदद नहीं की है। प्रभु बताना चाहते थे कि ये आदमी गरीब था, लाचार था, समाज में कुछ भी नहीं समझा जाता था, लेकिन प्रभु के लिए वो था जिसने सच्चे पड़ोसी का कार्य किया। तो मेरे आपके जीवन में प्रभु के प्रति जो प्रेम है, यदि वो प्रेम हो और यदि हम लोभ के अधीन नहीं हो, तो किस तरह से धन धान्य से प्रभु की सेवा करनी है ये अपने आप समझ जाएंगे, और जब अवसर आता है तब हमको करना चाहिए। यह है प्रभु के कहने का मतलब। इसके साथ प्रभु ने एक बात और कही जो हमको समझना चाहिए, जो 28वें पद में हम देखते हैं। 28वें पद में देखते हैं, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, ये क्यों कहा प्रभु ने। जब प्रभु इतनी बात कह चुके तो वहां बैठ के कई लोग सोच रहे होंगे, हे प्रभु मैं तो सोच रहा था कि एक नया कपड़ा चाहिए, आप जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार यदि मैं आपने जो मुझे दिया उसमें से एक हिस्सा यदि दे दूंगा तो प्रभु इस महीने तो कपड़ा नहीं खरीद पाऊंगा। प्रभु के कहने का मतलब, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। सोसन उस इलाके का एक पेड़ होता था, अपने इलाके में नहीं होता है, लेकिन हम में से हर व्यक्ति यदि अपने गांव की तरफ नजर डाले तो हर प्रदेश में, हर गांव में इस तरह के पौधे उगते हैं जिसको कोई लगाता नहीं है। सड़क की मेड़ पर, खेत की मेड़ पर या खाली जमीन पड़ी है वहाँ पर इस तरह के पौधे उगते हैं। कभी आपने ध्यान से
इन पौधों को देखा है क्या? इनमें से कई पौधों में फूल आते हैं, कभी ध्यान से ये फूल आपने देखे हैं क्या? मेरा तो बचपन से ही विज्ञान में शौक था, इस कारण जब भी मैं यात्रा पे अलग अलग इलाकों में जाता था तो उस इलाके में इस तरह से अपने आप उगने वाली जो घास है, घास फूस है, उसको बड़े ध्यान से देखता था। बाकायदा जेब में लेंस रखा करता था जिससे मैं उसकी बारीकी को देख सकूं। मुझे हमेशा ताज्जुब हुआ, ये जंगली पौधे जो आज उगते हैं और कल सूख जाते हैं, प्रभु ने आगे वही कहा है, जब प्रभु मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, इसमें से कई को अपन आग में झोंक देते हैं। हे अल्प विश्वासियों, तुमको इससे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? मैं कह रहा था कि ये जो घास फूस है जो अपने आप उगते हैं, इस प्रदेश में भी इस तरह के बहुत सारे, जरा ध्यान से देखिए, हाथ में कोई लेंस हो तो उससे देखें, क्या डिजाइन है, क्या संतुलन है, क्या सिमेट्री है। किसी ने उसको वहां पर लगाया नहीं है, कोई उसको खाद नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अपने आप उगा। उसका संरक्षण, प्रभु के कहने का मतलब है इनका संरक्षण कौन कर रहा है? प्रभु। प्रभु इनको उगाते हैं। क्यों उगाते हैं? उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इस संसार में सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, सब प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं, और इसलिए मनुष्य के रखे ही बिना चारों तरफ जंगल है, जंगली फल है, जंगलों में ऐसे बहुत सारे फल हैं जो मनुष्य के उपयोग के हैं, ये सब प्रभु ने हमारे लिए रखा है। प्रभु के कहने का मतलब है कि अरे अल्प विश्वासी, तेरे घर के बगल में जो खाली जगह पड़ी है, वहां पर दो दिन में उगने वाली या चार दिन में उगने वाली और दो दिन में सूख जाने वाली जो घास है, मैंने रखा है, मैंने उगाया है। उसका कारण प्रभु का वचन कई जगह बताता है, हे अल्प विश्वासी, जो दो दिन की घास है, यदि मैं उस पर इतनी करुणा करता हूं तो तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटी हो, क्या मैं उससे ज्यादा तुम्हारा ख्याल नहीं करूंगा? यहां जितने भाई, जितने लोग जो माता पिता हैं, वे लोग इस बात को जानते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे भले ही ना समझें, लेकिन माँ बाप ऐसा करते हैं। आज इस सभा में ऐसे कई लोग हैं जो अपने गांवों को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर जाके यहाँ परिश्रम कर रहे हैं जिससे कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। जब हम अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो वो स्वाभाविक है हमारे स्नेह के कारण। प्रभु कहते हैं यदि तुम अपनों के लिए ऐसा करते हो, मैं तो तुम्हारा पिता हूं। तुम्हारा पिता होने के कारण इस संसार में जो कुछ है वो सब मैंने तुम्हारे लिए उगाया है, लगाया है, पोषण किया है। इवन दो दिन की घास को मैंने उगाया है जिससे कि तुमको ऑक्सीजन मिल सके, सौंदर्य मिल सके। तो यदि दो दिन की घास का मैं इतना ख्याल रखता, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारा ख्याल तो मैं बहुत अधिक रखूंगा। उसके साथ साथ यहां एक बात जो प्रभु ने नहीं कही, लेकिन प्रभु के वचन में अन्य जगहों पर कही गई, वो यह है कि बेटे, बेटी, मैंने अपने स्वयं के पुत्र, संसार के सृष्टा प्रभु यीशु को तुम्हारे लिए सूली पर बलिदान करने के लिए दिया है। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा दर्द यदि मैंने सहा, तो तुम्हारे जीवन की जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे वस्त्र, उसकी तुम काहे को फिक्र करते हो? जब जरूरत होगी तब मैं तुमको दूंगा। यह है प्रभु के कहने का मतलब। प्रभु ने एक चीज से और इसकी तुलना की है। प्रभु ने कहा है कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं थे। सुलेमान कौन है?
आपने बादशाह सुलेमान का नाम सुना होगा। इतना महान बादशाह था, इतना धनी बादशाह था, उसके बारे में कहा जाता है कि उसके राज्य में चांदी उसकी कोई कीमत नहीं थी। मतलब हर और चांदी ही चांदी थी, किसी को चांदी नहीं चाहिए, इतना वैभव था उस व्यक्ति का। प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चे उस आदमी का वैभव देखो, दो दिन की जो घास है उसको, उसका सौंदर्य देखो, सुलेमान से ज़्यादा सौंदर्य मैंने इस घास को दिया है जिसका जीवन सिर्फ दो दिन का है या चार दिन का है। यदि ऐसा है, मैं तुम अपने बच्चों को जो कुछ चाहिए वो दूंगा। आज संध्या को सवाल यह है कि ये जो संदेश है प्रभु का, इसका मेरे और आपके जीवन में क्या अर्थ है। अर्थ इस तरह से है, हम में से हर व्यक्ति के जीवन की अलग अलग जरूरतें हैं। किसी को पढ़ाई की जरूरत है, किसी को नौकरी की जरूरत है, किसी को स्वास्थ्य की जरूरत है, किसी को एक मकान की जरूरत है, वाकई में असली जरूरत है। कोई शादी करना चाहता है, उसको एक अच्छे पति या पत्नी की जरूरत है। शादीशुदा लोगों को एक संतान की जरूरत होती है, संतान प्राप्ति अच्छी बात समझी जाती है और वो एक वास्तविक जरूरत है। हम में से कौन है यहाँ आज जिसके जीवन में कोई जरूरत नहीं है? मान लीजिए मैं पूछूं कि इस सभा में है क्या कोई जिसके जीवन में कोई जरूरत नहीं, जरा खड़ा हो जाए। कोई नहीं खड़ा होगा, जो खड़ा होगा नंबर वन पाखंडी, झूठा और घमंडी होगा। हम में से हर व्यक्ति की जरूरतें हैं। आज इस सभा में जितने लोग एकत्रित हुए हैं उनमें मैं तीसरा सबसे सीनियर व्यक्ति हूं, मुझसे सीनियर या दूसरा शायद सबसे सीनियर हूं, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो दो लोग मेरे से सीनियर है इस सभा में, जिसका मतलब है मेरी पढ़ाई लिखाई नौकरी सब हो चुकी है, बच्चे शादीशुदा हैं, अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, अपना खुद का घर है, और क्या चाहिए। आप पूछेंगे, सर आपके जीवन में जरूरत है क्या? जी हाँ, मेरे जीवन में बहुत सारी जरूरतें हैं, आपके जीवन में हैं। इस कारण आज प्रभु ने जो बात सिखाई है उसका मेरे और आपके लिए उसकी शिक्षा क्या है, वो ये है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जो भी जरूरत है, चाहे पैसे की जरूरत हो, एजुकेशन की जरूरत हो, स्वास्थ्य की जरूरत हो, नौकरी की जरूरत हो, चंगाई की जरूरत हो, संतान प्राप्ति की जरूरत हो, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारे लिए मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुमको दूंगा, जब समय आएगा तब मैं तुमको दूंगा, मुझ पर आश्रय रखो। ये है प्रभु ने आज जो बात कही उसका तात्पर्य। दूसरी बात, हमारे जीवन में लोभ और लालच नहीं होना चाहिए। समाप्त करने से पहले एक चीज और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु ने ये जो बातें कही वो अपने बच्चों के लिए कही। सवाल यह है कि हम प्रभु के बच्चे कैसे हो सकते हैं, इसका उत्तर मैं कई बार दे चुका हूँ। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु संसार में मनुष्य रूप धारण करके आए, उन्होंने सब लोगों को ये बात बताई, मैं अपने लिए नहीं आया, मैं तुम लोगों के लिए आया हूँ, मैं तुम लोगों के लिए सूली पर अपना जीवन कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे पापों के लिए मैं जो कुर्बानी अर्पित करूंगा, उस कुर्बानी के कारण यदि तुम मेरे पास आकर मुझसे पापों की क्षमा मांगोगे, मैं तत्क्षण उसी क्षण मैं तुमको क्षमा दूंगा। मेरे बच्चे, ना केवल क्षमा दूंगा, मैं तुमको एक नया जीवन दूंगा और वो नया जीवन शाश्वत जीवन होगा।
आज से 60 साल पहले मैंने अपने पिताश्री से यह संदेश सुनकर वहीं घुटने टेक कर प्रभु का अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, तब से आज तक मेरे जीवन में एक खुशी और आनंद है जिसे कोई भी छीन नहीं सका है, क्योंकि मुझे यकीन है प्रभु ने सूली पर मेरे पापों के लिए बलिदान किया था और जब मैंने प्रभु से याचना की तब प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए और मुझे एक नया जीवन दिया, शाश्वत जीवन। आज इस सभा में जितने लोग एकत्रित हैं इनमें से कई भाई और बहन ऐसे हैं जिनसे ये यदि मैं कहूँ यदि आपको जीवन में शाश्वत जीवन का अनुभव है खड़े हो जाइए, तो उत्साह के साथ वे लोग खड़े हो जाएंगे, कोई डाउट या कोई शंका उनके मन में नहीं है। आपके सामने आकर जो लोग गाने प्रस्तुत करते हैं, ये क्यों गाने प्रस्तुत करते हैं, इनके जीवन में एक निश्चय है, एक शांति है और वो लोग चाहते हैं कि वो निश्चय और शांति आपके जीवन में भी आए। इस कारण आज संध्या को यदि इस सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है जिसने अपने जीवन में ये क्षमा, खुशी, शांति और शाश्वत जीवन नहीं पाया है, तो इस सभा के बाद आकर मुझसे बात कीजिए। यदि आपको लगता है कि मैं तो बहुत सीनियर व्यक्ति हूँ, मुझसे कैसे बात करें, तो कोई बात नहीं है, मुझसे उम्र में कम कई लोग हैं इस सभा में जो खुशी खुशी आपको ये बताएंगे कि किस तरह से प्रभु के द्वारा ये नए जीवन आप पा सकते हैं। इस नए जीवन को पाए बिना इस सभा से ना जाएं, ये आप सबसे मेरा अनुरोध है। आज प्रभु ने इस तरह से जो अवसर दिया उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ हर शाम, हर संडे शाम को हिंदी में सत्संग होता है, इसमें आते रहिए। और वो श्लोक तो मैं कितना भी सुनाऊं मन को तृप्ति नहीं होती है, वो यह है जब तक है जिंदगी दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। भैया एक मौत को, दूजा सृजनहार। लेकिन उसके शुरू के दो लाइन है जिसको मैं अक्सर सुनाए नहीं करता, आज उसको भी सुना के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और वो फुल श्लोक इस तरह से है, जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, दो बातन को भूल मत। ठीक है, जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, दो बातन को भूल मत, भैया एक मौत को, दूजा सृजनहार। इस कारण समय निकाल कर सत्संग के लिए आया करें, आपके जीवन में बहुत अधिक अनुग्रह मिलेगा। प्रभु आप सबकी मदद करें। जय मसीह की।